आज के लंच में ना मैं बना रही हूँ ये लाल साग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग तो लाल साग बोलते हैं। और इसमें मैंने ढेर सारा ना मिर्च डाला है, थोड़ा मिर्ची मिर्ची लगे तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने बनाया था मीठा कद्दू। फिर शाम को टाइम हम आ गए हैं छत पे और माधव ना खाली बार बार नीचे पत्थर फेंक रहा है और नीचे से ना लोग जा रहे हैं। मैं तो बस सोच रही थी कि लोगों के सर में ना लगे, बस यही सोच सोच के मैं रो रही थी यहाँ पे कि यार इतना शैतानी क्यों करता है ये। फिर हमने वो पीछे भेज दिया, देखो वहाँ पे अलग से शैतानी। और अब जो है ना हम लोग थोड़ा सा मूवी देख रहे हैं, तो अभी बैठ के थोड़ा सा हम चिप्स और मूवी का आनंद उठाएंगे। और आज का जो लंच है ना वो मेरा बना हुआ है, तो इसलिए फिर मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। अब नेक्स्ट डे जो मैं बनाऊंगी सुबह का ब्रेकफास्ट मैगी, तो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैंने आज मैगी बनाया। और इतनी भूख लग गई थी ना मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। फिर मैंने जल्दीबाजी में मैगी बनाया। आज मुझे ढेर सारा काम करना है, तो इस ब्लॉग में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अब जो है ना मैं अभी थोड़ा नहा धो के सेवा लगा के थोड़ा अब आराम से बैठ गई हूँ। और आज ना मैंने किया है फ्रिज क्लीनिंग। फ्रिज इतना साफ़ लग रहा है ना, आप भी लोग देखो ऐसा दिखता है मेरा फ्रिज, पहले कितना गंदा दिखता था। और आज मैंने बनाया है ये अरबी की सब्ज़ी बनाई है, आलू टमाटर बॉयल करा है। और ये मैंने राकेश को दिया था कि तुम्हारे घर में लगा देना, लेकिन ये लगाया ही नहीं उसने। अब फिर मेरे को अलग से फेंकना पड़ेगा। ये इतने ज़्यादा मेरे घर पे होते हैं ना, बल्क में होते हैं इतने सारे। और आज मेरे पति ने बहुत सारा ये जो पौधा है ये फेंका, बहुत सारा फेंका गाइस। अब फिर मैं अब अंदर आ गई हूँ, अब थोड़ा मैं एसी का आराम खाना चाहती हूँ क्योंकि सारा दिन चला ही नहीं है। और फिर अभी हम लोग बैठ बैठ के खाना खाने वाले हैं एसी में आराम से, क्योंकि ना माधव जो है वो उसके मामा के घर पे गया है और आराम से खा रहे हैं हम आज। अगर खाना खाने के टाइम ना हम उसको सुला देते हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम हम कर ही देते हैं कि हम शान से खाना खा पाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमें रेस्ट करने नहीं देता है और बहुत गुस्सा आता है तब कि हम चैन से थोड़ा खाना भी नहीं खा सकते। अब हम दोनों ने बहुत आराम से खाना खाया और अभी जाऊँगी मैं माधव को लेने के लिए और फिर उसको सुलाऊंगी, क्योंकि वो मामा के घर पे गया है, वो अपनी नानी के साथ सोता नहीं है। और शाम हो गई है, अभी जस्ट थोड़ा सा नैप लिया था मैंने और नैप लेके उठी हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे माधव को भी मैंने फीडर दिया। और थोड़ी देर पहले ना मतलब माधव के पापा गए थे दुकान, आई मीन मेरे ससुर जी के शॉप में गए थे, तो वहाँ से फिर ये सारे सामान लेके आए हैं जो हमें चाहिए होता है, जैसे ये टूथपेस्ट, फेस वॉश, क्रीम, यही सब हम यूज़ करते हैं। देखो, और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब